नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि हमने आपको लगातार बताया है और भारत लाइव इस खबरों पर भी नज़र रखे हुए है, उन खबरों के हिसाब से हमने आपको बताया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, पर आज अमित शाह के आने के बाद से माहौल में थोड़ी नरमी आई। अमित शाह ने मंच से इस बात की घोषणा की कि 2020 में कप्तान एनडीए के नीतीश कुमार ही होंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताया गया, लेकिन अमित शाह के जैसे ही ये बातें मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंची, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह आएंगे तो बिहार में कुछ विशेष बातें होंगी, एनआरसी की बात होगी, सीएए की बात होगी, एनपीआर की बात होगी, पर अमित शाह ने ज़्यादा फोकस इस बात पर रखा कि बिहार में आने वाले 2020 के चुनाव में पुनः सत्ता पर कैसे वापसी की जाए, और शायद वापसी के लिए उन्हें नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना ही ज़्यादा बेहतर और सुगम रास्ता नजर आया। इस बात को लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं। इस बात की चर्चा जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारे में हो रही हैं, वहीं अमित शाह को जो एक बहुत ही मजबूत और चाणक्य कहा जाता था, उनके सोच पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही भरोसा नहीं हो रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि जो लोग इस इंतजार में थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने कोई शर्त रखेगी और इस शर्त के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कुछ बेहतर मिलेगा, जो लोग खास करके अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन भीतर ही भीतर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो बातें कुछ राजनीतिक लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और लगातार अपनी बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले मुंह खोला है सच्चिदानंद राय ने। सच्चिदानंद राय ने सीधे तौर पर, जानते होंगे आप सच्चिदानंद राय को, सच्चिदानंद राय लगातार लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक मुखर रहे हैं और कई बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के फैसलों का विरोध भी किया है। उनका कहना यह था कि अब वो वक्त आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी को खुद पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पे जिस तरह से अमित शाह ने आज वैशाली में अपनी बातें रखी, उसके बाद मुखर होकर के सच्चिदानंद राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया, अब जदयू के नेताओं को भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भाजपा के समन्वय बनाकर ही सीए और एनआरसी जैसे विषयों पर वक्तव्य देना चाहिए। भाजपा के नेतृत्व से सीधा संपर्क करके यदि अपनी कोई मतभिन्नता हो तो उस पर भी विमर्श करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सह जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार जी अपने दल के पदाधिकारियों तथा प्रवक्ताओं को ऐसे बयान देने से रोकना चाहिए जिससे गठबंधन के अन्य दल असहज हों। बिहार में नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी सबसे अधिक है। आपको बता दें कि उन्होंने इसके लिए एक बड़ा सा पोस्टर भी बनाया है जिसमें उंगली दिखाते हुए अमित शाह हैं। हालांकि अमित शाह ने नीतीश कुमार को जरा भी उंगली नहीं दिखाई, पर सच्चिदानंद राय ने एक कड़ा संदेश एक बार फिर से दे दिया है। और ये संदेश सिर्फ सच्चिदानंद राय नहीं दे रहे हैं, आपको टुन्ना पांडे की बात करें तो वो भी संदेश दे रहे हैं। यदि बात अन्य नेताओं की करें, संजय पासवान की करें, तो वो भी इस बात को बोल चुके हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप जितना आसान समझ रहे हैं या फिर अमित शाह जितना आसानी से ये बात बोल गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पचाना कि नीतीश कुमार ही 2020 में उनके मुखिया होंगे, अगहर होंगे और वही मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे, ये पचाना भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े हिस्से का मुश्किल लग रहा है। अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है, ये बात इन सब बयानों के बाद से फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमित शाह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के ये जो नाराज नेता हैं वो पुनः विचार करते हैं या फिर अपने स्टैंड पर पार्टी के अंदर में भी बड़ा विघटन या बिखराव होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव,
और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।